बुक से ज्यादा तो मुझे बुंदे और चूड़ियाँ बिक रही है, वहाँ पे रिश्ता नजर आ रहा है। मैं अपनी दोस्त के लिए बुक खरीदी हूं। तो आप नहीं पढ़ती? 49th एनुअल बुक फेयर। 49th उर्दू अदब या बेअदब? अदब। ये चावल के दाने पे नाम की लॉजिक क्या है? लॉजिक इनसे पूछो यार, हम भी खड़े हैं, हमसे भी खाना कभी तो पूछ ले। आ जाएं खा ले यार, नजर नहीं आ रहा, फ्रेश हुई। यहाँ पे सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पूरे शहर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर पीछे एक ज़बरदस्त एक्टिविटी चल रही है और वो है एनुअल बुक फेयर 2023। और कौन कहता है कि किताबों से शगफ लोगों का कम हो गया है। ये पीछे एक हॉल है, जिमनेजियम है कराची यूनिवर्सिटी का, जिसमें खचाखच वो भरा हुआ है स्टॉल से और लोगों से। और इसके बाहर एक पूरा इससे भी बड़ा हॉल है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो बुक्स ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ हैं और वो बुक्स लेने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, चाहे वो सिलेबस की हों, चाहे वो नॉवल्स हों, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो इस्लामिक बुक्स हों। और ये एक चीज़ बहुत ही पॉजिटिव एक्टिविटी वूमन हमारे आँखों से मिस हो जाती है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ पढ़ाई के अलावा दीगर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए पहचानी भी जाती है यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पूरे शहर से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स आते हैं और वो इस इधर आके अपने स्टॉल्स पुट अप करते हैं और हज़ारों की तादाद के अंदर लोग उससे मुस्तफीद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिया में तलबा अपना 49th एनुअल बुक फेयर। 49th? जी 49th है ये हमारा। बुक्स की सेल होती होती भी है या यहाँ पे सिर्फ वो फोन के कवर बिक्रे होते हैं और अबाये बिक्रे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बुक्स की सेल होती है। बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो कि इसके अंदर आती है। हर तरीके की बुक्स ले सकते हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, जितने भी हैं बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, बहुत सारी हैं। तो बुक्स से ज्यादा तो मुझे वो जो बुंदे और चूड़ियाँ बिक रही है वहाँ पे रिश्ता नजर आ रहा है। हर टाइप की हर चीज है, बिल्कुल स्टॉल टाइप है, वो डिफरेंट टाइप का स्टॉल है, लेकिन बुक्स हर तरीके लोग ले रहे हैं। ये नहीं की हाँ एग्जैक्टली पढ़ते पढ़ते भी लोग या बस लेके रख लेते हैं? चार साल मुझे एज अ वॉलंटियर हो गए, इसको ऑर्गेनाइज करने में तो जब इतनी यूज हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, तो ऑर्गेनाइज करने में कोई इशू नहीं होता। शहर कराची में दो बड़े कुतुब मेले होते हैं, एक तो बड़ा एक्सपो सेंटर में होते हैं और जो दूसरा बड़ा होते हैं जो कि जामियात पूरे पाकिस्तान की जामियात का सबसे बड़ा होता है, वो कराची यूनिवर्सिटी में होता है। तो लोग इसका बाकायदा वेट करते हैं। कौन सी बुक खरीद रही हैं आप? मैंने अभी तो उर्दू की बुक खरीदी है। उर्दू अदब या बेअदब? अदब। तो सारी तो चीज़ें PDF पे मौजूद है, ऑनलाइन अवेलेबल है? नहीं, पेपरबैक की अपनी बात होती है, हार्ड कॉपी पेपरबैक की अपनी बात होती है। अच्छा, तो ये इतनी मोटी किताब आप लेके जा रही हैं, पढ़ लेंगी पूरी? इंशाल्लाह। कितना टाइम लगेगा अगले बुक फेयर से पहले हो जाएगा ये काम? नहीं नहीं, इंशाल्लाह सेमेस्टर ब्रेक में खत्म हो जाएगा। मैं अपनी दोस्त के लिए बुक खरीदी हूं। तो आप नहीं पढ़ती? नहीं। अच्छा, आप नहीं पढ़ती तो आप क्या यहाँ पे अबाया खरीदने आई हैं? नहीं, मैं अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट देने के लिए। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, तो यहाँ पे और भी लोग आए हैं उनको भी गिफ्ट देते हुए याद रखिएगा। मैं हर साल इधर आती हूँ। अच्छा। और मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है और मुझे लगता है एक कनेक्शन है मेरा बुक्स के साथ, तो मैं जरूर यहाँ बुक्स लेने जरूर आती हूँ। भाई, हर बुक फेयर में कांस्टेंट एक आइटम होता है कि चावल के दाने के ऊपर नाम लिखना। सर अस्सलाम वालेकुम, ये चावल के दाने पे नाम की लॉजिक क्या है? लॉजिक इनसे पूछो। ये साहब है, आप भी करते हैं? नहीं, हम करते हैं। अच्छा, आप इन्होंने सिखाया था मुझे। लेकिन इसमें क्या क्या साइंस क्या है? आर्ट है? कुछ नहीं, सिर्फ आर्ट है। सिर्फ आर्ट है। तो कितने लोग करवा के जाते हैं आपसे ये काम? बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग आते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जो कि हर एक की खरीदारी चेक कर रहे हैं और स्टैंप लगा रहे हैं। क्या कर रही है मोहतरमा आप यहाँ पे बैठी हुई? स्टैंप लगा रहे हैं। स्टैंप वो तो मुझे नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसकी फिर एक साल की गारंटी है इस बुक की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक साहब खाना पूछने आए, सर क्या हाल है आपके? यार हम भी खड़े हैं, हमसे भी खाना कभी तो पूछ ले। आ जाएं खा ले यार, हमने थोड़ी रात के खाने का इंतजाम है, दोपहर का खा लिया मैंने। दोपहर का खा लिया? दोपहर का खा लिया। तो रात को भी यहाँ रहने मसला नहीं, 12 बजे के बाद खा ले। भाई 12 बजे के बाद इंशाल्लाह खाना होगा। और आप लोगों ने खाना खाया? मिला आप लोगों को खाना वाना? खाना मिल गया भाई, यहाँ पे खाने का भी तसल्ली बख्श इंतजाम है। और खाने में क्या खिला रहे हैं यहाँ पे आप? टिक्का बिरयानी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की? टिक्का बिरयानी नहीं, टिक्का बिरयानी कल थी, आज जो है ना वो बड़ा बोलते हैं। रह गया भाई, मेरी शर्ट से मिलती जुलती शर्ट एक भाई ने पहनी हुई है। सर इतने मोबाइल और चैट GPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक फेयर के अंदर घूम रहे हो भाई, क्यों? बस आई गेस डिजिटल वर्ल्ड की एक अपनी सूरत है और
अगर फिजिकल नॉलेज है तो आपको इससे बेहतर और की जगह कोर्स की बुक्स लेने आया हूँ। नहीं, मैं तो ट्रेडिशनल बुक्स लेने आया हूँ, मार्केटिंग की। कितने अरसे से आप बुक्स ऑर्गेनाइज करा रही हैं? पहली दफा है ये? सेकंड टाइम हो रहा है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ड्यूटी थी। मजा आ रहा है या? अल्हम्दुलिल्लाह, हो रही नजर नहीं आ रहा, फ्रेश ही हूं। भाई बुक फेयर से जाने का वक्त हुआ चाहता है और अच्छा लगा कि सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर, चैट जीपीटी के दौर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस सब दौर के अंदर लोग किताबें भी पढ़ रहे हैं। मैं किताबें वैसे कम पढ़ता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ पे किताबों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि यहाँ पे और भी जो चीज़ें हैं उन सबसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट, और इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में ज़बरदस्त सी एक बार फिर मुलाकात होगी।